देश भर में राम मंदिर के निर्माण को लेकर नई नई बयानबाजियां हो रही हैं। वहीं संगम नगरी में हो रहे कुंभ में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने नया बयान दिया। उन्होंने कहा, मंदिर निर्माण के लिए किन्नर अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन की गुजारिश करेगा, जिससे राम मंदिर पर फैसला जल्द से जल्द किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे सुझाव और पत्र को संज्ञान में नहीं लेता है तो किन्नर अखाड़ा अयोध्या में जाकर वहां सत्याग्रह करेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए अगर उनकी जान भी जाती है तो इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। माननीय मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम यही लिखेंगे, जो मुद्दा समाज को विभाजित करता है, जो मुद्दा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के भी रख रुका है, राम मंदिर का टाइटल सूट फास्ट कोर्ट करके सुने और ये मुद्दा को जल्द से जल्द सत्य रूपी से इसे माननीय ढंग से समाप्त करें, क्योंकि इससे मेरे प्रभु राम का नाम जुड़ा हुआ है और हम सनातनी और पूरे किन्नर अखाड़े ने ये बात कहा, धर्म संसद करके कुछ फायदा नहीं हुआ। किन्नर अखाड़ा किसी पॉलिटिकल फायदा को करता ना, हमारा मुद्दा पॉलिटिकल है, हमारा मुद्दा राम है। जब राम को पॉलिटिकल फिगर बना दिया, जब आज भी 10x10 के टेंट में रहते हैं और आज भी सनातनियों के साथ एक छलावा हो रहा है, इस वक्त मैं अनुरोध करूंगी कि जितनी संस्थाएं हैं, जितने धर्म के संगठन हैं, जितने सनातनी हैं, सब एकत्रित आएं, एक पटल पे आएं।